नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आरके, और आप देख रहे हैं आरके ट्रेडिंग। दोस्तों, आज तारीख है 4 दिसंबर 2019, और यहां पर हम लोग बैंकिंग स्टॉक्स के एनालिसिस करेंगे, जिसमें पीएसयू बैंक भी है और प्राइवेट बैंक भी है, दोनों बैंक शामिल हैं, इंपॉर्टेंट बैंक। देखेंगे कौन सा बैंकिंग स्टॉक किस लेवल पर खड़ा है और कहाँ सपोर्ट रेजिस्टेंस बन रहा है। दोस्तों, कोई भी पर्सनल बाइंग और सेलिंग की सलाह नहीं है, इस बात को ध्यान में रखें, उसके बाद ही ट्रेड करें। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला बैंक है दोस्तों एक्सिस बैंक का। एक्सिस बैंक, मैंने कल बोला था कि 720 के ऊपर जब तक ये स्टॉक बना हुआ है पॉजिटिव है, टेंशन वाली बात नहीं है। 720 को जब ये ब्रेक करेगा तो ही निगेटिव होगा, अदरवाइज ये निगेटिव नहीं हो सकता है। और अगर फिर मैंने ये भी कहा था कल कि अगर ये 730 को ब्रेक करता है ऊपर की साइड में, तो फिर आपको 745 तक के टारगेट देगा। हालांकि स्टॉक ने हाई 747 का लगाया तो अच्छी बात है। अब ये 750 के ऊपर अगर निकलता है तो 760 से 765 का एक टारगेट देके जा सकता है। बैंक ऑफ बड़ौदा, इसने भी आज अच्छा बाउंस बैक लिया, लेकिन हमें अभी फिलहाल इसमें उत्साहित होकर कोई पोजीशन नहीं बनाना है। बैंक ऑफ बड़ौदा के पास बहुत जबरदस्त रेजिस्टेंस है, ये सारे रेजिस्टेंस जब तक ब्रेक ना हो जाए हम लोग कोई भी पोजीशन नहीं बनाए। 110 के ऊपर निकलेगा तो ही पोजीशन बनेगा, अदरवाइज बिल्कुल नहीं। बैंक ऑफ इंडिया सेम कंडीशन, 80 के ऊपर पोजीशन बनेगा। अभी ये बिल्कुल एक ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेते हुए चला जा रहा है बैंक ऑफ इंडिया। अगर इसको ब्रेक करता है नीचे की तरफ में 60 या 70 भी क्लोज कर देता है नीचे एक साइड में 68 to 70, तो थोड़ा वीक हो जाएगा ये, और फिर ये नीचे के लेवल 65 भी आपको दिखा सकता है। केनरा बैंक, कोई पोजीशन नहीं बनाएंगे केनरा बैंक में ऊपर जब तक 235 को ये क्लोज ना करे। फेडरल बैंक 92 के ऊपर निकलेगा तो पोजीशन बनाएंगे 100 रुपीज के टारगेट के लिए, अदरवाइज स्टॉप लॉस आप मेंटेन कर सकते हैं। अगर आपने यहाँ पे पोजीशन बनाया है तो 83 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। HDFC बैंक जब से इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया है थोड़ा वीक है, हालांकि आज नीचे से रिकवर किया था, इस स्टॉक्स ने रिकवर करके ऊपर की तरफ ही क्लोज किया है, लेकिन स्टॉक्स थोड़ा सा भी वीक है। वीक पॉजिटिव तब बनेगा अभी जब ये 1270 के ऊपर क्लोज करेगा वापस से इस ट्रेंड लाइन के ऊपर, तभी पॉजिटिव बन सकता है, अदरवाइज अभी इसको हम लोग इग्नोर करके भी चल सकते हैं। ICICI बैंक, मैंने कहा था 520 के ऊपर पोजिशन, नया पोजिशन अगर बनाना हो तो 520 के ऊपर बनाएंगे, जब हम मैंने कल वाले वीडियो में कहा है इस बात को। तो अब देखिए 520 के ऊपर जैसे ही बना ये 530 तक के टारगेट आपको देके चला है 10 पॉइंट बहुत ही आसानी से, और जहां पर से ओपन हुआ है वहीं से इसका लो बना है, यानी ओपन इक्वल टू लो भी था, जबरदस्त मूवमेंट देखने को मिला है। अब नया पोजिशन अभी यहाँ पे अब देखिए होल्ड करेगा ये अपने आपको, स्टॉक्स में मूवमेंट तो है पर वॉल्यूम नहीं है, तो यहाँ पे अभी हो सकता है फिर से ये टाइम बिता दे, 1 से 2 दिन टाइम बिताए, तो हम लोग इग्नोर करके अभी चलेंगे। कल अगर ये वापस आज के हाई को ब्रेक करता है कल, यानी 532 को ब्रेक करता है, तो एक बार 540 के टारगेट के लिए पोजीशन बनाया जा सकता है। अदरवाइज ये हो सकता है कि कल जो कैंडल बनेगा ना, तो इस पूरे कैंडल के शेडो के अंदर ही बनेगा वो कैंडल, यानी साइडवेज हो जाएगा, तो उस कंडीशन में हम लोग इग्नोर करेंगे उसको। IDFC फर्स्ट बैंक, मैंने कहा इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है, बिल्कुल वहीं पे सपोर्ट ले रहा है IDFC फर्स्ट बैंक में, तो इसमें टेंशन वाली कोई बात नहीं है। जब तक ये नीचे की साइड में 44 को ब्रेक ना करे कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ऊपर एकदम पॉजिटिव मूवमेंट में IDFC फर्स्ट बैंक बना हुआ है, आप लोग स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं 37 का इस कंडीशन में। इंडियन बैंक नो ट्रेडिंग जोन में, दूर रहेंगे इससे। इंडसइंड बैंक नीचे आने की तरफ कोशिश कर रहा है, 1550 के नीचे अगर ये क्लोज होता रहा तो 1450 का एक लेवल आपको दिखा सकता है। अभी फिलहाल अगर आज के लो के नीचे यानी कि 1520 को ब्रेक कर गया कल, तो फिर ये 1500 के लेवल आपको दिखा सकता है इंडसइंड बैंक। अगला बैंक है कोटक, तो कोटक में मैंने पोजिशनल स्टॉक्स भी बना के दिया हुआ है और इंट्राडे में भी दोनों, तो इस स्टॉक्स पे मैं पूरी तरह से बुलिश हूँ, कोई टेंशन वाली बात नहीं। अगर आज के हाई के ऊपर यानी 1560 को ऊपर की तरफ ब्रेक करता है तो 1700 तक के भी टारगेट आपको दिखा सकता है, एक बार अपने हाई 1680 और फिर 1700 का लेवल टेस्ट करेगा। OBC यानी ओरिएंट बैंक ऑफ कॉमर्स से दूर रहेंगे क्योंकि इसका चार्ट सही नहीं है। PNB इंपॉर्टेंट सपोर्ट के पास अपने आपको होल्ड कर रहा है। PNB जब तक इस ट्रेंड लाइन के ऊपर है मजबूत है, 60 के नीचे क्लोज करेगा तो नीचे 55 तक लेवल आपको दिखा सकता है PNB। RBL बैंक नो ट्रेडिंग जोन, दूर रहना RBL बैंक, ये एकदम प्राइस चैनल में, ये RBL बैंक ना बिल्कुल एक प्राइस चैनल में, आप यहाँ से देख सकते हैं इस प्राइस चैनल के अंदर रहेगा, कोई ट्रेड नहीं बनेगा। इसके ऊपर 400 को ब्रेक करेगा तो 450 तक का एक भी टारगेट, 425 और 450 का दो टारगेट ओपन होगा अगर ये 400 के ऊपर क्लोज करता है तो। नीचे अगर ये 350 को क्लोज करता है तो फिर ये कमजोर हो जाएगा, जो 300 की तरफ लेके इसको आ सकता है। SBI अभी कोई पोजीशन नहीं बनाएंगे, नया पोजीशन 350 के ऊपर बनेगा, बाय के लिए तो 370 का टारगेट होगा, सेल के लिए करना होगा तो 330 के नीचे क्लोज करेगा, सेल करेंगे 300 के टारगेट के लिए SBI में। यस बैंक नो ट्रेडिंग जोन में, दूर रहना इससे।
यूनियन बैंक जब तक ये 57 के ऊपर है तब तक कोई टेंशन वाली बात नहीं है, 57 के नीचे निकलेगा थोड़ा वीक हो जाएगा, 53 का टारगेट सेल साइड में दे सकता है। नया पोजीशन ऊपर हम बनाएंगे अब 70 के ऊपर, अभी कोई पोजीशन नहीं बनाएंगे, अब सिर्फ इसको होल्ड करके नज़र पर बना के रख सकते हैं। तो दोस्तों ये था मेरा बैंकिंग स्टॉक से व्यू, अगर पसंद आता है तो लाइक कीजिए, कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।